हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल वेलकम बैक टू द सेशन वंस अगेन एंड आप सभी का हमारे इंग्लिश की वन शॉट सीरीज में स्वागत है तो आज हमारा फाइनली इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने वाला है आज हमारा पहला लेक्चर है मैं आपको आज के इस सेशन में राइटिंग स्किल से शुरुआत कर रही हूँ जहाँ पे हम आपकी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को पूरा का पूरा अच्छे से समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और उसका हमको कैसा फॉर्मेट में आंसर अटेम्प्ट करना है सो लेट मी चेक यहाँ पे कितने बच्चे आ चुके हैं इंग्लिश को 90 प्लस लाने का जो एम के साथ हमने सेशन स्टार्ट किए थे वो बच्चे कितने बच्चे इधर पे जुड़े हैं ओके लेट मी चेक ओके ग्रेट अराउंड सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स आ चुके हैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप पेन और पेपर लेकर आइए बिकॉज राइटिंग स्किल में फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है आपको क्या करना है मैं एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा कवर कर दूंगी ठीक है तो जब भी मैं लाइव आ रही हूँ जो टॉपिक लेकर आ रही हूँ आपको पेपर में उसकी हेडिंग डाल देनी है ठीक है मैं जो पढ़ाऊंगी उसको अच्छे से नोट डाउन करना है क्योंकि एक वीडियो में आपका उतना काम खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो अभी तक अगर आपने पेन पेपर लेके नहीं बैठे थे तो प्लीज अपनी थोड़ी सी तशरीफ को तकलीफ दीजिए और उठिए और अभी भी आपके पास टाइम है लेकर आइए ठीक है जब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम राइटिंग स्किल को कैसे लेकर जाएंगे ओके वाह बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है ग्रेट कुंदन खुशी इरफान साहिल विवेक वैभव हेलो <laughs> बहुत खुश हूं आप सबको इस चैनल में देखकर और बहुत वाह सो इंग्लिश पढ़ने के लिए रेडी हो चलिए लास्ट के दो महीने में इंग्लिश को हम एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और उसकी शुरुआत आज से कर रहे हैं सबसे पहली चीज यहां पे मैं आपको बता रही हूं कि अपना जो ट्वेल्व राइटिंग स्किल है इसमें से मैं आपको बैक टू बैक चार राइटिंग स्किल पढ़ाने वाली हूं ठीक है यानी कि इसके बाद मेरे जो तीन सेशन आएंगे वो राइटिंग स्किल पर ही आएंगे ठीक है so, सो आप लोग अभी इतने एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो में ज्वाइन हुए हो तो अपना एक्साइटमेंट दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार जल्दी से ठीक है जब तक मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ देखो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये अपना जो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज वाला टॉपिक है इसको आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इंटरव्यू राइटिंग करेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा जब नेक्स्ट लेक्चर के बारे में भी थोड़ा बताते जाऊंगी ताकि आप थोड़ा सा अवेयर रहो और तीसरी वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी स्पीच राइटिंग में और फोर्थ वीडियो जो होगी वो होगी अपनी रिव्यू राइटिंग ठीक है हम जो है बस इतना ही राइटिंग स्किल बोर्ड एग्जाम में पढ़कर जाएंगे बिकॉज आपको दिख रहा है ऑप्शन अच्छे खासे अवेलेबल है और ये जो चार राइटिंग स्किल मैंने बताई ना ये सबसे ज्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है और हाई स्कोरिंग है और क्या ही चाहिए बिकॉज वैसे भी हमको नॉवल में ज्यादा टाइम लगता है है ना आंसर लिखने में पैसेज में आंसर पैसेज से आंसर जो आता है अपना अनसीन पैसेज उसमें अपने को आंसर ढूंढने में टाइम लग जाता है तो राइटिंग स्किल हम वो अटेम्प करेंगे जिसमें अपना टाइम बचता है ठीक है ताकि कंपेंसेट हो जाए चीजें बैलेंस हो जाए तो देख लो जो अपने बैक टू बैक अभी सेशन आएंगे वो ऐसे आएंगे आज ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है नेक्स्ट वीडियो इंटरव्यू राइटिंग थर्ड वीडियो स्पीच राइटिंग एंड रिव्यू राइटिंग चलिए जी स्टार्ट किया जाए ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज पेपर निकालो पेन लो और हेडिंग डाल दो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज अच्छा अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमारी बूस्टर बैच क्या है और किस बारे में है स्टार्टिंग के जो अपने चार सेक्शन है वो मैं पूरा यूट्यूब में आपको कराने वाली हूं जिसमें से एक राइटिंग स्किल भी है ठीक है तो हम यूट्यूब में करेंगे बट उसके अलावा जो अपना ग्रामर का पार्ट है टेस्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल पेपर है गाइडेंस सेशन है बहुत सारी चीज होती है एक्सप्लेनेशन के बाद अच्छा तो एनरोल कर सकते हो प्राइस इज जस्ट थ्री फोर्टी नाइन ठीक है इट इज अ वन टाइम पेमेंट ऐसा नहीं है कि हर मंथ देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है थ्री फोर्टी नाइन इज वन टाइम पेमेंट टिल बोर्ड एग्जामिनेशन आपको पूरा गाइडेंस और वीडियो गाइडेंस और

कि हमको कुछ भी कन्वर्जेशन करना होता है किसी से तो बस व्हाट्सएप अवेलेबल है इंस्टाग्राम अवेलेबल है फेसबुक अवेलेबल है टेलीग्राम अवेलेबल है मतलब इंसान को मैसेज कर दो बस राइट तो आज के ज़माने में लेटर राइटिंग को तो भूल ही जाओ खत लिखना तो भाई गया वो जमाना गया तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी लेटर राइटिंग को निकाल दिया गया है क्योंकि अब उसका जमाना नहीं रहा अब जमाना किसका रहा है जमाना जो है वर्चुअल हो चुका है चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट होकर सारी के सारी चीजें फिर वो कोई काम भी क्यों ना हो कोई टीचिंग क्यों 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 ना ना हो हो हमको कोई करना हो। हम जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं वर्चुअल ठीक है जस्ट सेकेंड पहले हम टॉपिक का मीनिंग समझेंगे क्योंकि आधी जो बात होती है वो टॉपिक के अंदर ही होती है ठीक है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज आपके राइटिंग स्किल का सबसे प्यारा टॉपिक है सच बताऊं तो सबसे कम टाइम लेगा ये, देखना आपको मजा आएगा देखो ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है कोई भी चीज को बनाना क्रिएट करना ठीक है टू तो क्रिएट क्रिएट समथिंग वर्चुअल मतलब क्या होता है कोई भी ऐसी चीज जहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल टैबलेट लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी आ गया ठीक है तो यहां पे मैं लिख देती हूं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जो भी चीजें हो रही है जैसे कि अभी आप मेरे लेक्चर देख रहे हो तो ये आप वर्चुअल वे में देख रहे हो क्यों बिकॉज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक बीच में आ गया है जो एक क्या मीडियम क्रिएट कर रहा है आपको मेरा टीचिंग प्रोवाइड करने का ठीक है तो मोबाइल के थ्रू आप देख रहे हो तो इट इज ऑल्सो वर्चुअल टीचिंग और मैसेज तो आपको पता ही है बोलने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यहाँ पे देखो मीनिंग ये देख लो कि कोई भी ऐसा मैसेज जो हम क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करके उसका मतलब होता है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज ठीक है तो ये देखो बेचारा लेटर राइटिंग तो हटी गया अब वो जमाना नहीं रहा जहां पे हम जो है बड़े बड़े खत लिखा करते थे और अपने फ्रेंड्स फैमिली को दूर दूर तक भेजा करते थे ठीक है तो ये लेटर राइटिंग नहीं है अब देखो आप एक चीज नोटिस करो जब हम लेटर राइटिंग लिखते थे तो वो एक एक पेज का लिखते थे अगर आपको याद होगा आप टेंथ स्टैंडर्ड में होगे तो आपको लेटर राइटिंग हुआ करता होगा तो लेटर राइटिंग एक पेज का हुआ करता था क्यों बिकॉज हम जब कोई एक इंसान को लेटर लिखते थे मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ पहले के जमाने में दस साल पहले जब मोबाइल वोबाइल इतना कॉमन नहीं था तो उस वक्त देखो क्या हुआ करता था लेटर थोड़ा सा ना आपको बताती हूँ ताकि आप फॉर्मेट में कभी भी छेड़छाड़ ना करो लेटर्स हम जो है बहुत ही गैप में एक दूसरे को भेजते थे फॉर एग्जाम्पल आपको आप जो है हॉस्टल में रहते हो ठीक है और आपकी मम्मी यानी आपके फैमिली कहीं दूर रहती है आप दोनों के पास मोबाइल नहीं है आप दोनों कन्वर्जेशन कर रहे हो कौन आप और आपकी मम्मी कन्वर्जेशन कर रही है डेली तो कर नहीं पाएगी क्योंकि मोबाइल मोबाइल तो है नहीं उस जमाने में क्या होता था लेटर लेटर के लिए पोस्टिंग होती थी तो वो इतना फास्ट होता नहीं था तो यहाँ पे देखो गैप आता था यानी कि आप जो मैसेज अपनी मम्मी को लिखोगे वो तीन चार दिन बाद रिसीव हो रहा है एक हफ्ते में रिसीव हो रहा है तो जो बातें होती थी वो भी बढ़ जाती थी कि मैंने मंडे को ये ये किया ट्यूसडे को ये ये किया वेनेसडे को तो जो लेटर होते थे वो बढ़ जाते थे बड़े होते थे उसका कंटेंट बड़ा होता था राइट क्यों बिकॉज कन्वर्सेशन के बीच में गैप भी तो ज्यादा था ना राइट तो याद रखना लेटर राइटिंग लॉन्ग हुआ करते थे बट ड्राफ्टिंग वर्चुअल जब से जमाना वर्चुअल हुआ चीजें का गैप कम हो गया है ना अब हम क्या करते हैं फटाफट अपना मैसेज भेजते हैं उंगलियाँ चलती रहती है है ना कि जरा सा लेक्चर के बीच में हमको ब्रेक मिला शुरू हो जाओ है ना ऑटो में बैठे शुरू हो जाओ ट्रेन में बैठे शुरू हो जाओ हर जगह उंगलियां चलती रहती है तो यहाँ पे क्या होता है हम कुछ मैसेज भेजते हैं दो सेकंड में सामने लेकर रिप्लाई आता है दो सेकंड भी नहीं एक सेकंड के अंदर आता है देर बहुत ज्यादा क्लोज है आपका तो यहाँ पे ऐसा होता है तो कन्वर्जेशन शॉर्ट होते हैं ना थोड़ी बड़े बड़े थोड़ी होते हैं आप जो कोई बात लिखते हो उसमें गैप कम है टाइम पीरियड टाइम का जो गैप है वो कम है इसलिए कन्वर्जेशन जो हमारा होता है वो लेंदी कन्वर्जेशन इन द सेंस में स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ ठीक है एक बड़े बड़े लेटर नहीं लिखते तो यहाँ पे देख लो मैसेज लिखते हैं है ना तो ये हमारी उंगलिया ऐसी चलती रहती है तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मैंने ये इतनी कहानी आपको बस इसलिए सुनाई कि आपको ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज शॉर्ट रखना है और ये चीज जान आप खुश भी भी हो जाओगे, भी हो जाओगे, जाओगे कि आपको बस चार का लिखना होता है, है? ठीक ऐसा ना समझो ड्राफ्टिंग तो वर्चुअल इसलिए मुझे एकदम ज्यादा एक पेज भर के लिखना पड़ेगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे बिल्कुल नहीं आपने अगर वैसा करे तो आपने ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का बेस ही तोड़ दिया जैसे मैंने आपको बताई ठीक है तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज हम जो है वो चार लाइन का लिखेंगे चलो ठीक है मैं मान लिया आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है तो उस वक्त कॉम्प्रोमाइज मत करना आपको वर्डिंग गिन लेना पचास वर्ड आप लिखोगे वर्ड सींद लेना ठीक है वो उसकी पहचान है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की शुड बी शॉर्ट एंड क्रिप्स अब कौन कौन सी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जब भी आप ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज को अटैम्प्ट करोगे जहां पे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस होते हैं ठीक है सबसे पहली चीज कि आपके एग्जाम में कन्वर्जेशन दिया जाएगा मैं हम सॉल्व करेंगे भी क्वेश्चन आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी तो देखो जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया है वही आपको अपने आंसर में लिखना है मतलब कोई भी एक्स्ट्रा कन्वर्जेशन अपने मन से एड नहीं करनी है आंसर को बड़ा करने के लिए ठीक है वही है देखो न्यू नो न्यू इन्फॉर्मेशन शुड बी एडेड न्यू इन्फॉर्मेशन एड करना ही नहीं है जो क्वेश्चन में दिया है उसी को बस कन्वर्ट करके आंसर बनाना है यानी कि एक तरीके से बहुत आसान है सारी चीज आपको क्वेश्चन में दी होगी बस उसको अच्छे से फॉर्मेट में फ्रेम करके हमको लिखना है ठीक है तीसरी चीज देखो ग्रामेटिकल एरर आपने जहां करे वहां पे आपका मार्क्स कट होगा ठीक है अगर आपने फॉर्मेट सही है स्टेटमेंट सही है बट आपने ईज का वॉश कर दिए हेड का हैफ कर दिए तो आपके आधे मार्क्स डिडक्ट हो गए ये चीज याद रखना इनडायरेक्ट स्पीच का हमको इस्तेमाल करना है क्यों बिकॉज अभी मैं आपको बताऊंगी इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है जब एक इंसान किसी की बात तीसरे इंसान को बोल के आता है ठीक है मेरी बात किसी से हुई और मैंने उसकी बात तीसरे इंसान को बोलकर आई तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल होता है और यहां पे भी वही होगा मैं बताऊंगी रुक जाओ क्वेश्चन सोल्व करिएगाई लैंग्वेज शुड बी इन अ सिंपल लैंग्वेज लैंग्वेज कोई भी का इस्तेमाल नहीं करना है बिकॉज यार हम कॉम जब व्हाट्सएप में किसी को मैसेज लिखते हैं थोड़ी हाई फाई लिखते हैं हम कॉमन भाषा में अपनी बात बस समझाते हैं ना तो वही है इधर पर ठीक है और फ्रेंडली रहना है कोई भी रूड वूड यह सब तो पता ही अपने को चलो तो देखो फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई विल रिक्वेस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग ये राइटिंग स्किल का अपना फॉर्मेट है ठीक है टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट राइट नाउ तो देखो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया सबसे पहले आप क्या करोगे बोल्ड लेटर में प्लस कैपिटल लेटर में मैसेज लिख दोगे ठीक है मिडल में इतना हो जाएगा यू हैव टू लीव वन लाइन एक लाइन छोड़ देना पेज की उसके बाद आपके क्वेश्चन में जो भी डेट होगी उसको लिखोगे देखो यार ऐसा मत कर देना डेट लिखे फिर आगे ऐसा डॉट लगा के फिर आगे डेट लिखे ऐसा नहीं मैं बोल रही हूं यू जस्ट हैव टू राइट डेट नंबर ठीक है आंसर में देख लेगे उसके बाद आपके क्वेश्चन में जो टाइम दिया होगा वो टाइम लिखना है ठीक है अब टाइम नहीं दिया होगा तब आप अपने मन से जो भी टाइम डालना चाहते हो डाल देना बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया था तो मैंने ये दो चीज लिखा ही नहीं और डायरेक्ट आंसर यहाँ से स्टार्ट किया ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन में दिया है तो वही डेट और टाइम डालेगा क्वेश्चन में नहीं दिया है तो अपने मन से डालेंगे ठीक है क्योंकि फॉर्मेट इसका चेंज नहीं करना है उसके बाद एक लाइन फिर से लीव करनी है और फिर जो इंसान को हम मैसेज लिखेंगे उसका नाम इधर पर आएगा नेम ऑफ द पर्सन हु डायरेक्टेड जिसको मैसेज हम भेज रहे हैं उसका नाम इधर पर आएगा एक लाइन छोड़ेंगे फिर से इधर पे हम और फिर अपना मैसेज जो है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे ठीक है फोर टू फाइव लाइंस मैक्स टू मैक्स एक लाइन फिर से लीव करेंगे और फिर जिसने ये मैसेज क्रिएट किया है उसका नाम इधर पर आएगा ठीक है तो ये जब आपका मैसेज बन जाएगा तो इस मैसेज को ऐसे छोड़ मत देना ये मैसेज एक बॉक्स में डाल देना ठीक है मतलब आउटलाइन बनाते हैं आप कोई भी डायग्राम बनाते हो तो उसको ऐसा आउटलाइन कर देते हो तो वैसा इसको कर देना ठीक है तो अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो करते हो विच इज एप्सली करेक्ट तो आपका जो है चांस मार्क्स कटने का कहीं पे आता ही नहीं ठीक है तो ये मैंने फॉर्मेट बताई अभी जल्दी से देखते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन देखो मैंने क्या बताई थी कन्वर्जेशन आएगा याद रखना ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहला क्वेश्चन होगा जहां पे तीन लोग हो गए तीन लोग तीन लोग हो गए देखो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन को लाइक कर दो प्लीज ताकि मेरा भी मोटिवेशन आए और मैं भी एकदम एक्साइटेड हो जाऊं कि आप लोग एकदम मस्त पढ़ रहे हो राइट तो अभी तक लाइक नहीं करो तो सेशन को लाइक करो और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो देखो मैंने क्या बताई ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में आपको ऐसे कन्वर्जेशन दिए जाएंगे पहले टाइप में जहां पे तीन लोग के नाम आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में ठीक है तीन जैसे कि बताई मैंने ये पहला इंसान होगा ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा जो कि है अपना बीच का बंधु ये तीसरा इंसान कौन है बीच का बंधु ये बीच का बंधु बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही इंसान जो है ये इंसान से मैसेज लेगा और इसका मैसेज यहां तक पहुंचाएगा रुक जाओ मैं आपको बताती हूं पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं ठीक है लेट अस रीड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन आशना एंड मिस्टर सिंह क्या बोला है बातें हो रही है एक आशना नाम की लड़की के साथ किसकी मिस्टर सिंह आशना और मिस्टर सिंह एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर रहे हैं किधर पे अरे बताई ना भाई वर्चुअल वर्चुअल यानी कि मोबाइल इधर पर आ जाएगा ठीक है यहाँ पे ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में किधर पे आमने सामने बात नहीं हो रही है मोबाइल में हो रही है बिकॉज इट इज अ वर्चुअल मैसेज वर्चुअल मैसेज ठीक है तो देखो आशना और मिस्टर सिंह का कन्वर्सेशन हो रहा है किधर पे देखो चलो क्या बोलती है आसना आशना हेलो मे आई स्पीक टू रनाजित प्लीज क्या बोलती है आशना कॉल करती है हेलो क्या मैं रनाजित से बात कर रही हूं तो सामने वाला जो होता है इसका नाम क्या है इसका नाम मिस्टर सिंह है तो मिस्टर सिंह क्या बोलता है रनाजित इज नॉट एट होम राइट नाउ मे आई नो हु स्पीकिंग रनाजित घर पर नहीं है क्या मैं जान सकता हूं आप कौन बोल रही हो तो आशना देखो क्या बोलती है माय नेम इज आशना आई एम रनाजित क्लासमेट मैं आशना हूं मैं रनाजित की क्लासमेट हूँ ठीक है तो देखो मिस्टर सिंह क्या बोलते हैं मिस्टर सिंह हेलो आई एम रनाजित फादर इज एनी मैसेज बोलते हैं कि हाँ, Ashna, बोलो मैं रनाजित का फादर हूं आपको रनाजित को क्या मैसेज पहुंचाना है मुझे बताओ मैं आपका मैसेज रनाजित तक पहुंचाऊंगा मैं उसके डैडी हूं भाई तो आशना आशना क्या बोलती है यस yes, यस yes. हाँ हाँ मैं बताती हूँ ना क्या मैसेज है प्लीज Ask him to bring his biology notebook to school today. I was absent from school due to illness. I would like to see the notes which our biology teacher gave to class during my absence. क्या बोलती है आशना कि प्लीज रनाज, रणाजीत को बोलना कि आज वो स्कूल में अपनी बायोलॉजी की नोटबुक लेकर आए मैं पिछले कुछ दिनों से कॉलेज नहीं जा रही थी इसलिए मेरा लेक्चर छूट गया और मेरी नोट्स में नहीं बना पाई मुझे टीचर के नोट्स चाहिए तो आप रणाजी को ये मैसेज डालना कि आज कॉलेज में वो अपनी बायोलॉजी की नोटबुक लेकर आए ठीक है तो ये मैसेज है गौर से देखो मिस्टर सिंह क्या बोलते हैं ऑफ कोर्स वो क्या बोलेगा आई विल डेफिनेटली डू डेट हाँ मैं आपका मैसेज पहुंचा दूंगा

मिस्टर सिंह ने अपने बेटे रनाजित को मैसेज लिखा क्या मैसेज लिखा कि आपकी सहेली आशना का कॉल आया था क्या मैसेज लिखेगा चलो देखते हैं अच्छा कौन है इधर बताओ मेरे को बीच का बंधु कौन है हु इज बीच का बंधु इन दिस क्वेश्चन देख लेते तो मैंने क्या बताया तीन लोग रह गए तो पहला इंसान जिसका कॉल आया था वो थी आशना ठीक है आशना को बात करनी थी किससे रनाजीत से आशना को बात करनी थी रणाजीत से बट रणाजीत तो था नहीं वो तो कहीं बाहर था और कॉल उठा दिए किसने इसके डैडी ने इसके डैडी का नाम क्या है इसके यानी इसके डैडी या रणाजीत के डैडी ने कॉल उठाया इसका नाम क्या है मिस्टर सिंह ठीक है तो आशना ने बात कर ली मिस्टर सिंह से आशना ने अपना मैसेज सिंह को पहुंचाई अब मिस्टर सिंह जो है रणाजीत को मैसेज पहुंचाएगा तो यहां पे बीच का बंधु कौन हो गया बीच का बंधु हो गया मिस्टर सिंह ठीक है जो कि मैसेज लिखेगा रनाजीत को राइट तो अपना सेंडर कौन हो गया मिस्टर सिंह सेंडर ये मैसेज भेजने वाला है किसको को को ठीक है देखो क्या मैसेज भेजेगा पहले मुझे रब रुक जाओ देखने तो कौन है दर पे बच्चे लोग लेट मी सी ओके वाओ आर यू ऑल एबल टू सी दिस थोड़ा सा ब्लर हो गया कोई बात नहीं तो देखो ये रनाजित है ऊपर ठीक है कहाँ है ये ये देखो ये रनाजी थे, दिख रहा है इधर पे इसके डैडी इसको क्या मैसेज भेज रहे हैं इसके डैडी इसको क्या मैसेज भेजे देखो तुम्हारा फ्रेंड सॉरी तुम्हारी फ्रेंड आशना ब्लर हो रहा है क्या ब्लर नहीं है ना ठीक है ठीक है ओके okay, तो देखो उसने मिस्टर uh, सिंह ने अपने बेटे रनाजित को क्या मैसेज फ्रेम किया पहले हम हिंदी में देखेंगे ठीक है क्या किया देखो तुम्हारी फ्रेंड कौन फ्रेंड आशना का कॉल आया था उसने कहा कि तुम अपनी बायोलॉजी की नोटबुक आज स्कूल याद से ले जाना वो एबसेंट थी कुछ दिनों से बीमारी की वजह से इसलिए वो तुम्हारी नोट्स देखना चाहती है जो बायोलॉजी टीचर ने दिया था हाँ यानी प्रशांत भैया की नोट्स वो देखना चाहती है ठीक है वैसे तो वो टेलीग्राम में भी अवेलेबल होती है बट उसको उसी से चाहिए <laughs> उसी से चाहिए समझ जाओ <laughs> टेलीग्राम से भी ले सकती हो तो यहाँ पे ये चीज कौन किसको भेज रहा है मिस्टर सिंह अपने बेटे रनाजीत को राइट right? भेजा उसने और इसने रिप्लाई भी किया देखो ओके okay, डैड तो यही चीज है आपका ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज जो कि मैंने आपको ऐसा पूरा कन्वर्ट करके सिनेरियो बना के क्रिएट यहां पे लाई हूं ठीक है अब देखो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे यही सेम चीज को इंग्लिश में लिखेंगे चलो इंग्लिश वाला कहा जाएगा अपना इधर आएगा देखो फॉर्मेट वही रहेगा और बीच का जो अपना था ना इधर पे मैसेज इधर पे आ जाएगा मैंने क्या बोली थी क्यों है? रहा है। इसको, ओके. तो क्या बताई थी फॉर्मेट फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम अपना मैसेज क्रिएट करेंगे मैं आपको बार बार बता रही हूं राइटिंग स्किल को फॉर्मेट सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे तो फॉर्मेट क्या था मैसेज हमने डाले हेडलाइन में कैपिटल लेटर और बोल्ड लेटर में डेट अच्छा क्वेश्चन में तो डेट वेट थी नहीं तो हमने आज के डेट डाल दिया ट्वेंटी फोर डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ठीक है इसको आप कैसे भी लिखना चाहिए लिख लिखो ट्वेंटी फोर डेक लिखोगे तो भी चलेगा आप लोग बहुत सीरियसली मतलब छोटे क्वेश्चन की हमने ट्वेंटी फोर्थ टी एच लिख दिया तो क्या मार्क्स कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है बस ऐसा ट्वेंटी फोर डिसमेंबर कॉमर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइम वाइम कुछ दिया नहीं था मर से कोई भी टाइम डाल दो ठीक है फाइव सुबह शाम के पांच बजे एक लाइन छोड़ के क्या बोली थी मैंने जिसको मैसेज भेजना है उसका नाम इधर पर आएगा अब देखो क्या मैसेज था उस जो चीज हमने हिंदी में देखी वो उसी को मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट की हूं। क्या लिखा है आशना जो तुम्हारी फ्रेंड है कॉल्ड अप टू से देखो ये वाला जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट है ये आपका कॉमन रहेगा ठीक है बस क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगा तो आशना का आशना ने कॉल की थी ना अब कोई दूसरा क्वेश्चन होगा जहाँ पे रा, रामू नाम का इंसान होगा तो आप क्या लिख दोगे रामू तुम्हारा कलीग एम्प्लॉई फ्रेंड बॉस जो भी होगा ये यह यहाँ पे डालना कॉल्ड अप टू से डेट क्योंकि यहाँ पे जो चीजें वर्चुअली हो रही है तो कॉल्ड अप आपको लिखना है ठीक है क्या बोली थी उसने ब्रिंग योर बायोलॉजी नोटबुक टू स्कूल शी वॉन्टेड टू सी द नोट विच योर बायोलॉजी टीचर हैज गिवन और नीचे डैड कौन है रनाजित के मिस्टर सिंह कौन है डैड है ना अच्छा यहाँ पे आप, आप मिस्टर सिंह लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है सही है डैड लिखोगे तो भी चलेगा तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन भी पॉसिबिलिटी हुई छोटी सी, छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन तो आपको समझ में आ गया होगा अभी इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना ऐसे ही हमने क्या बोली तीन लोग हो गए और उसमें से एक इंसान बीच का बंधु होगा तो बीच के बंधु को पहले ढूंढेंगे अपन क्योंकि वो इंसान होगा जो क्या करेगा अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे इंसान को पास करेगा तो देखो यहाँ पे पहला इंसान कौन है फ्रॉम डायलॉग गिवन बिलो राइट अमृता लेफ्ट अच्छा अमृता नाम की जो एक लड़की है वो अपने ब्रदर, उसके ब्रदर का नाम क्या है? को मैसेज है, को भेजती ठीक है चलो देखते हैं। अब बीच में देखो शेखर टपक गया शेखर एक शेखर नाम का इंसान है वो क्या बोलता है एस दिस फोन नंबर है ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम फोन नंबर डायल करते हैं और हम ऐसा

आई एम शेखर आई वॉन्ट टू स्पीक टू सौराजीत आई हैम इज फ्रेंड फ्रॉम आई एच एम गोवा ओ भाई तो देखो शेखर क्या बोलते हैं मुझे तो सौराजीत से बात करनी है मैं उसका आई एच एम गोवा का फ्रेंड हूँ ये एच एम अपना होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी कॉलेज है वहां उसकी बात हो रही है तो मैं सौराजीत का दोस्त हूँ शेखर गोवा आई एच एम कॉलेज में हम साथ में थे और ये अमृता ने कॉल उठा दी और अमृता तो उसकी बहन है तो देखो क्या बोलती है अमृता आई एम ए सिस्टर मैं उसकी बहन हूं स्वराजित घर पर नहीं है कैन यू रिंग अप लिटिल लेटर क्या तुम थोड़े टाइम बाद कॉल करोगे तो शेखर बोलता है आई शेल बी अ लिटिल बिजी मैं थोड़ा सा बिजी हूं एक्चुअली आई हैव गॉट प्लेसमेंट एट अ होटल मुंबई और भाई जॉब लग गई की. मुंबई की होटल में जॉब लग, लग जाता है तो हम बोलते हैं प्लेसमेंट लग गई प्लेसमेंट लग गई ठीक है तो ये खबर सुनाने के लिए उसने कॉल किया था एंड विल हैव टू ज्वाइन विथ इमीडिएट इफेक्ट और मुझे अभी क्या अभी उसको ज्वाइन करना है तो मैं ये सब फॉर्मेलिटी में बहुत ज्यादा बिजी हूँ ज्वाइनिंग वॉइनिंग के लिए सब होता है ना कि ये फॉर्म भरो आधार कार्ड दो ये रिज्यू ये सब सब चीज़ें चलती रहती है तो उसमें मैं बिजी हूँ सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल दी फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड ठीक है दिस इज द न्यूज दैट आई वांटेड टू गिव टू सोराजित ये खुशखबरी मैं अपने प्यारे दोस्त सोराजित को देना चाहता था देना चाहता था या जलाना चाहता था भाई जॉब लग गई है अपने दोस्त को बता रहे मेरी जो खबर है अपने भाई तक पहुंचा दोगी टेल हिम हिम आई विल लेट नो न्यू सेल फोन नंबर एस आई एक और बात मेरी पहुंचा देना अपने भाई को कि मैं एक न्यू फोन नंबर ले रहा हूँ तो भी मैं उसको जल्दी शेयर कर दूंगा तो देखो अमृता क्या बोलती है आई विल डू विट हाँ भाई आपकी जो खबर है अपने भाई को पहुंचा दूंगी बाय एंड ऑल द बेस्ट ठीक है अब देखो अमृता क्या है अमृता हैड टू लीव फॉर ऑफिस अमृता को भी अब जल्दी जल्दी ऑफिस जाना था मैंने क्या बताया सब अवेलेबल है व्हाट्सएप अपने पास तो अमृता क्या करती है निकालती है अपना मोबाइल खोलती है व्हाट्सएप और अपने भाई को देती है खबर कि ओ भाई सोराजी तेरे फ्रेंड किसका फ्रेंड तेरा आई फ्रेंड अपना शेखर शेखर ये ना हाँ शेखर का कॉल आया था उसका प्लेसमेंट लग गया लग गया है मुंबई में वो बहुत ज्यादा बिजी है इसलिए उसने ये खबर तुझ तक तो पहुंचाने के लिए बोला है और उसने ये भी बोला है कि वो बहुत जल्द तुझे अपना न्यू नंबर देगा ठीक है ऐसा मैसेज टाइप करेगी फटाफट मोबाइल जेब में डालेगी और अपने ऑफिस लिए निकल जाएगी तो ये चीज अपनी यहां पर हो जाएगी तो मुझे बताओ बीच का बंधु कौन होगा पहला इंसान जिसका कॉल आया वो है शेखर शेखर को बात करनी थी इससे शेखर को बात करनी थी इससे है ना ये कौन था सौराजित बट सौराजित तो अवेलेबल था ही नहीं बीच में कौन आ गई बीच में सौराजित की बहना अमृता अमृता आ गई तो इस वाले क्वेश्चन में अपनी बीच की बंधु है अमृता जो क्या करने वाली है शेखर का दिया हुआ मैसेज सौराजित तक पहुंचाएगी समझ में आया तो ये आपको चीजें याद रखनी है कि तीन लोग कौन है इसमें से अम, बीच का बंधु कौन है जो कि मैसेज पहुंचाएगा बिकॉज बीच का बंधु ही अपना सेंडर बनने वाला है और ये जो है रिसीवर बनने वाला है ठीक है इसकी कहानी तो बस क्वेश्चन तक ही खत्म हो जाएगी ठीक है अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे पहले हिंदी में देख ले हिंदी में देखते हैं कि अमृता जो है अपने भाई सौराजीत तो को क्या मैसेज लिखेगी ठीक है अमृता दीदी सही बोले उसकी बहना बीच की बंधु <laughs> देखो तो यहां पे अमृता अपने भाई सोराजीत को व्हाट्सएप ओपन करी और क्या लिखी क्या खबर दी तुम्हारा दोस्त शेखर कौन सा दोस्त किधर का दोस्त आई एच एम गोवा ठीक है आई एच एम गोवा का तुम्हारा दोस्त का कॉल उसने कॉल किया था ये न्यूज देने के लिए कि उसका प्लेसमेंट हो गया है होटल मुंबई में उसने ये भी कहा कि वो बहुत बिजी है फिलहाल सारी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए और वो तुम्हें अपना न्यू मोबाइल नंबर बहुत ही जल्द भेजेगा तो ये इसका मैसेज था जो कि शेखर ने पहुंचाने के लिए बोला था ठीक है शेखर ने पहुंचाने के लिए बोला था और जो कि इसने अपना काम पूरा करी और स्वराजित को भेज स्वराजित का आंसर क्या गया ओ भाई इसकी भी जॉब लग गई <laughs>

तो अच्छा परसेंटेज लाओगे ट्वेल्थ में तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन होगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो प्लेसमेंट आपका खुद लगेगा ना कि इसकी तरह कि कोई भी बैठे या तो फिर खुद का कुछ करना पड़ेगा राइट तो ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है अब यही मैसेज को ये मैसेज को आ, ये मैसेज को हम क्या करेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट फॉलो करते हुए पहला फॉर्मेट वही रहेगा मैसेज लिख देंगे डेट अपने क्वेश्चन में नहीं थी तो हम अपने मन से कोई भी डेट डाल देंगे टाइम डाल देंगे एक लाइन छोड़ के बीच का बंधु सॉरी बीच का बंधु नहीं मैसेज किसको भेजना है सौराजित को बीच का बंधु कौन थी उसकी बहन सिस्टर क्या मैसेज भेजेगी तुम्हारा दोस्त शेखर किधर का आई एच एम गोवा का कॉल किया था कॉल्ड अप टू गिव न्यूज कि उसका प्लेसमेंट लग गया है किधर पे होटल मुंबई में ही स्टेटेड डेट ही वुड बी बी बहुत बिजी है देखो जो चीज़ मैंने हिंदी में लिखी थी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया यानी एक चीज आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हो तो उसका आंसर आप ऑटोमेटिकली अपने मन से लिख दोगे और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका ग्रामर क्योंकि आप ग्रामर आपको आता है तो इंग्लिश के स्टेटमेंट करेक्ट बनाओगे राइट right? आपको वो चीज हिंदी में आती है बट वो चीज को आपको इंग्लिश में लिखने नहीं आ रहा है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रामर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो ग्रामर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यू यू मस्ट नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस राइट तो ये सब चीज हम बूस्टर बैच में करने वाले हैं जो कि ट्वेंटी यानी कल ट्वेंटी ऑफ डिसम्बर दोपहर तो ढाई बजे स्टार्ट होने वाली है मैं ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रही हूं पूरा का पूरा ग्रामर की टेंशन दूर करने वाली हूं तो आई होप बहुत सारे बच्चे उधर पे मुझे देखने को मिलेंगे अच्छा तो ये अपनी कहानी होगी तीन लोगों की ठीक है तीन लोग जहां पे तीन लोग का सीन होता है अब ये टाइप वन था ठीक है टाइप वन एक बार मुझे बता दो क्या आपको चीजें समझ में आ गई तो मैं टाइप टू की तरफ जाऊं टू की तरफ जाते हैं टाइप वन हो गया जहां पे तीन लोग होते हैं ठीक है टाइप वन जहां पे तीन लोग होते हैं एक बार रुक जाओ, वर्चुअल मैसेज डीवीएम आपको एग्जाम में दो तरीके का आ सकता है पहला है टाइप वन जहां पे आपको क्वेश्चन में कितने लोग देखने को मिलेंगे? तीन लोग थ्री पीपल और टाइप टू दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पीपल हो गए दो पर्सन हो गए ठीक है तो अपनी जो भी कहानी चल रही थी वो तीन पीपल की चल रही थी तीन लोग हैं. अब टाइप टू की तरफ बढ़ रहे हैं टाइप वन हो गया टू की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे कहानी सिर्फ दो लोग के बीच में होने वाली है चलिए उसका क्वेश्चन कैसा आएगा क्वेश्चन, देखो। चलो टाइप टू की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे दो आपके क्वेश्चन में सिर्फ दो लोग का ही नाम होगा ठीक है तीसरा होगा ही नहीं क्या क्वेश्चन है देखो रजत पहला नाम तो इधर पे आ गया रजत तो सुबह से स्कूल से घर आया देखा घर है? Since सिंस ही a डुप्लीकेट की बट उसको याद आता है अच्छा चलो मेरे पास डुप्लीकेट की है घर की वो क्या है घर में घुस जाता है ही एंटर्स the होम एंड फाइंड अ नोट घर में जब घुसता है यानी जाता है तो उसको एक नोट मिलती है एक छिट्टी मिलती है ठीक है उस छिट्टी में क्या लिखा होता है कि वो छिट्टी तो उसकी मम्मी ने उसके लिए छोड़ गई है. His mother, ठीक है उसकी मम्मी ने वो लेटर लिखी होती है किधर पे टेबल के ऊपर वो लेटर रखा होता है अच्छा जी क्या लिखा होता है उस प्यारी सी नोट में उस प्यारी सी नोट में रजत की मम्मी ये एक्सप्लेन करती है ये लिखती है डेट शी है हॉस्पिटल विथ मिस्टर मनोहर उसकी मम्मी को किसकी मम्मी को रजत की मम्मी को हॉस्पिटल भागना पड़ा रश भागना पड़ा क्यों बिकॉज़ मिसेस मनोहर यानी मनोहर की वाइफ मिसेस का क्या हो गया भाई साहब एक्सीडेंट हो गया वो लोग उसकी नेबर है मिसेस मनोहर नेबर है हु हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट मनो मिसेस मनोहर का एक्सीडेंट हो गया वो लोग की नेबर है तो उसके पीछे पीछे भागी उसको हॉस्पिटल लेकर शी हेल्सो रिटर्न शुड द माइक्रोवेव ये तो बस वही अपनी मम्मी वाली कहानी है ना दुनिया इधर की उधर हो जाए <laughs> बट बच्चे लोग को खाना टाइम पे मिलना चाहिए है ना वही चीज इधर पे भी आपको देखने को मिल रही है मतलब नेबर का एक्सीडेंट हो गया है वो हॉस्पिटल भागी है बट लेटर में भी ये लिख रही है कि देखो भाई खाना जो है अपना डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है लंच गरम करके खा लेना माइक्रोवेव ठीक है थोड़ा ध्यान रखना ठीक है स्विच को हैंडलिंग अच्छे से करना इसे पूरे सारे के के सारे मम्मी की ही कहानी है तो यहां पे भी वही हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे देखो अपने को मैसेज क्या लिखना है मैसेज क्या है ड्राफ्ट द मैसेज विच रजस मदर लेफ्ट फॉर हिम ये हिम कौन है रजत यानी बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है पूरा का पूरा आंसर आपके क्वेश्चन में दे दिया गया है ठीक है ये जो मैसेज उसकी मम्मी ने बोली है ना वही चीज अपने को लिखनी है अपने आंसर में देखो उसकी रजत की मम्मी ने क्या बोला रजत को वो उसका मैसेज बनाओ मतलब खुद से तो कुछ करना ही नहीं है सारा का सारा आंसर आपको क्वेश्चन में दिया गया है सारा का सारा आंसर, आंसर क्वेश्चन में है कि नहीं बताओ पॉइंट वाइज देखो कितनी बात पहले तो उन्होंने कही है ठीक है कुछ भी आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो बिकॉज मैं अभी बस हो गया अपना सेशन उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन रीड करने वाली हूं चलिए क्या मैसेज है सबसे पहला मैसेज है कि वो जो है हॉस्पिटल रश करी ठीक है यहां तक एक्सीडेंट दूसरा दूसरा मैसेज ये पॉइंट नंबर वन रहेगा दूसरा मैसेज ये है कि राइस और करी डाइनिंग टेबल पर रखी है वो खा लेना तीसरा मैसेज है कि खाने को गर्म करके भी खा सकते हो अगर उसको गर्म करना है तो माइक्रोवेव तो ये तीसरा पॉइंट अपना हो गया और चौथा पॉइंट क्या हो गया कि भाई माइक्रोवेव यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना स्विच को हैंडलर करने से पहले तो टोटल चार बातें देखना पहले एग्जाम में क्वेश्चन में कितनी बातें लिखी गई तो बाते है तो टोटल चार बातें हैं राइट पहला है कि मैं हॉस्पिटल भागी हूं दूसरा है कि राइस और करी डाइनिंग टेबल रखा हुआ है तीसरा है खाना तुम गरम कर सकते हो और चौथा है कि माइक्रोवेव का स्विच अच्छे से हैंडल करना ठीक है तो ये देखो मैंने जो अंडरलाइन करी हूं इतना ही आपका आपको जो है अपने आंसर में डालना है डेट सेट किस को मद्देनजर रखते हुए फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए राइट तो बस वही चीज हम इधर पे करेंगे तो यहां पे तीसरा इंसान आया क्या तीसरा इंसान आया ही नहीं यानी कि टाइप टू में अपने सिर्फ और सिर्फ दो इंसान ही हो गए बीच का बंधु होगा ही नहीं तो यहां पे अपना पहला इंसान कौन है पहला इंसान है रजत की मदर और दूसरा इंसान है रजत बस ये दोनों में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है देर इज नो मिडल मैन चलिए तो कैसा आंसर लिखोगे उस क्वेश्चन का सेम फॉर्मेट डेट टाइम नहीं था अपने से डाल दिया इसको मैसेज भेज रही है उसकी मम्मी रजत नाम लिखोगे यहाँ पे आप सन लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि बेटा है ठीक है नो no प्रॉब्लम क्या है देखो रजत आई एम रशिंग टू दी हॉस्पिटल विथ आर नेबर मनोहर पहला पॉइंट डाल दिया दूसरा क्या विथ एन एक्सीडेंट दूसरा क्या आई हैव केप्ट राइट्स एंड करी ऑन द डाइनिंग टेबल फॉर योर लंच दूसरा मैसेज डाल दिया यू कैन हीट द लंच इन द माइक्रोवेव हो गया थर्ड पॉइंट बट बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द स्विच हो गया तो यहाँ पे आप देखो कि कितना क्रिप्स तरीके से आंसर को लिखना है आप प्लीज मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इसको बड़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करना ही मत जितना ज्यादा आप इसको छोटा लिखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेगी ये ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज की खूबसूरती है बाकी सारे आपको स्पीच राइटिंग में भर भर के लिखना है लिखो एक्सपांशन ऑफ आइडिया में जितना लिख सकते हो लिखो इंटरव्यू राइटिंग में जितने क्वेश्चन बनाने हैं बनाओ ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में मत करना छिड़कानी ओवर मत करना इसको शॉर्ट रखना एकदम प्यारा सा रखना ठीक है तो देखो रजत मोम बस खत्म ठीक है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का सॉल्व करते हैं टाइप टू वाला और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी वो मुझे आप सॉल्व करके बताने की कोशिश करना ठीक है जब तक मैं एक बार देख लेती हूं ओके okay, ग्रेट बहुत बच्चे एक्साइटेड है क्या बात है चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप टू से रिलेटेड जहां पे दो ही इंसान में गुफ्तु होने वाली है तो वो देखेंगे चलो कौन है दो इंसान यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट अ मैसेज विच मनु अरे भाई पहला इंसान मिल गया जो कि है मनु ठीक है लेफ्ट फॉर हेज सिस्टर अपनी प्यारी सी बहना रेनू को मैसेज लिखते हुए क्या बोल रहा है देखो डू नॉट एड एनी न्यू इंफॉर्मेशन आंसर में मतलब क्वेश्चन में भी आपको सतर्क किया जा रहा है भाई अपने मन से कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मत डालना द मैसेज शुड नॉट एग्जिट चलो हो गया क्या है देखो रूहान चिल्ड्रन हाँ दूसरा टाइप का क्वेश्चन हाँ हाँ देखो देखो ये एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है जहां पे आपको कन्वर्जेशन नहीं दिया मतलब ऐसा नहीं दिया जाएगा कि आशना ने ये बोली रणाजित ने ये बोला मतलब ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया जाएगा पॉइंट वाइज दिया जाएगा ठीक है तो इसको ना थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करना ठीक है तो देखो रूहान रैंग रूहान रैंग मतलब रूहान ने कॉल किया रैंग रूहान ने कॉल किया ठीक है क्या बोला बुक रीडिंग सेशन होने वाला है किधर पे चिल्ड्रन आस्क अब्दुल कलाम नाम का ये सेशन होने वाला है ठीक है ये कैसा सेशन होगा जहां पे कंपाइलेशन ऑफ लेटर रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम चिल्ड्रन अब्दुल कलाम को बहुत सारे लेटर रिसीव हुए थे बच्चों से तो सारे लेटर्स उन्होंने जमा करे और उसको रीड करेंगे तो उसमें एक सेशन होने वाला है ठीक है एंड हिज आंसर तो कुछ बच्चों ने सवाल भी पूछे हो तो एपीजे अब्दुल कलाम उसका आंसर भी देंगे राइट तो वो चीज़ इधर पर है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर कितने बजे होने देखो टाइम पहला क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर टाइम मेंशन किया है तो आप अपने आंसर में टाइम यही लिखोगे एट पी एम ही लिखोगे एट इवनिंग पिक यू अप सिक्स थर्टी पीएम अटेंड रीडिंग सेशन टूगेदर क्या बोल रहा है कि मैं जो है आपको आठ बजे ले साढ़े छह बजे लेने आऊंगा तो अपन साथ में जाके क्या करेगा रीडिंग सेशन को अटेंड करेगे अब इसको अपन कैसे लिखेगा देखो मैसेज डेट टाइम कौन मैसेज दे रही है रेनु किसकी बहन है मनु की और यहाँ पे जो भी चीज क्वेश्चन में लिखी हुई थी वही उठा के हम लिख देंगे इधर पे अबे यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा हमको ना इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है देखो इनडायरेक्ट स्पीच खुद में एक बहुत बड़ी टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच तो हम जो है जो भी अपना आंसर बना रहे हैं ना उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन इधर पे दिया हुआ है ठीक है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या ये एक मिनट और जूम करूंगी तो ओके आई होप हाँ क्लियर है मोबाइल में तो क्लियर ही दिख रहा है ठीक है तो देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने अभी आप पहचानो कि ये टाइप वन का है या टाइप टू का है ठीक है क्योंकि आपके एग्जाम में बोल के तो नहीं आएगा टाइप टाइप है या आपको पहचानना होगा देखो क्या है क्वेश्चन रीड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग सिचुएशन मेरे को पहले तो आप कमेंट में बताओ कि ये क्वेश्चन टाइप वन से रिलेटेड है टाइप टू से एंड ड्राफ्ट मैसेज अकॉर्डिंगली एनश्योर डेट नन ऑफ योर मैसेज शुड एक्सीड फिफ्टी वर्ड्स Using the information given below, write a message which Siksha has left for her mother. Rima called up, elder sister takes French classes, a new language, first bench received discount. गॉन टू टेक एडमिशन विल रिटर्न आफ्टर लंच तो बताओ आपको ये जो अपना क्वेश्चन है ये टाइप वन से रिलेटेड है या टाइप टू से रिलेटेड है पहले तो मैं देखूं कौन करेक्ट आंसर दे रहा है बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर कोई टाइप वन बोल रहे हैं कोई टाइप टू बोल रहे हैं मेजोरिटी बच्चे टाइप टू की तरफ जा रहे हैं ओके okay. क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपको बॉक्स वॉक्स वगैरह नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ये एक बुक का स्क्रीनशॉट है अपन एग्जाम में करके आएगा ठीक है देखो आधे बच्चों ने बोले हैं टाइप वन और आधे बोल रहे हैं टाइप टू क्वेश्चन को गौर से रीड करो क्या बोल रहा है कि एक अपनी शिक्षा नाम की लड़की है जिसने अपनी मदर को मैसेज लिखा ठीक है शिक्षा नाम की लड़की ने अपनी मदर को मैसेज लिखा क्या लिखा देखो अभी रीमा अप रीमा ने कॉल करी वो जो लड़की तो तीन लोग आ गए ना तीन लोग आए देखो जहां पे भी ना मैं आपको ये बताने की कोशिश करू क्वेश्चन में आपको तीन लोगों के नाम दिख गए तो वो टाइप वन है सिंपल सी बात जहां पे भी तीन लोग आपको दिख गए वो टाइप वन है तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है ना शिक्षा एक लड़की है रीमा एक लड़की है उसकी मम्मी को मैसेज लिखा जा रहा है तीन लोग हैं और यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि रीमा ने कॉल करी थी रीमा ने और ऊपर देखो कौन है मदर है और नीचे शिक्षा है तो टोटल तीन लोग मेंशन किए गए हैं क्वेश्चन में इसलिए अपना ये टाइप वन है तो जो भी बच्चों ने टाइप टू बोले है आपको क्या करना है एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देना है ठीक है और कुछ नहीं तो आई होप चीजें समझी होगी चलो उसी प्रकार से नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मुझे बताइए ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने है ये टाइप वन से रिलेटेड है या टाइप टू से रिलेटेड है यहाँ पे दो लोग हैं या तीन लोग हैं देखो सुमित नाम का एक इंसान हेलो मे आई स्पीक टू मासूम सुमित नाम का एक इंसान है कॉल करता है हेलो क्या मैं मासूम से बात कर रहा हूँ तो जो सामने वाला इंसान होता है वो तो रिया होती है रिया ये रिया कौन है तो देखो रिया क्या बोलती है सॉरी मासूम तो घर पर नहीं है क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन बोल रहे हो तो सुमित क्या बोलता है आई एम सुमित स्विमिंग टीचर फ्रॉम द क्लब कैन यू टेक अ मैसेज फॉर हिम मैं स्विमिंग uh, मैं जो है ये इसका, किसका मासूम का मैं मासूम का स्विमिंग टीचर हूँ क्या मेरा मैसेज आप उस तक पहुंचाओगी तो रिया क्या बोलती है ऑफ कोर्स बताइए क्या मैसेज है आपका तो सुमित बोलता है काइंडली इनफॉर्म हिम डेट द स्विमिंग पूल विल बी क्लोज्ड फॉर टू डेज ड्यू टू मेंटेनेंस इट विल रीओपन ऑन ट्वेंटी सुमित क्या बोलता है कि मेरा ये मैसेज मासूम तक पहुंचा देना कि स्विमिंग पूल दो दिन के लिए बंद रहेगा क्योंकि क्या चल रहा है मेंटेनेंस चल रहा है तो ये एक सिंपल सा मैसेज है जो कि सुमित मासूम तक पहुंचाना चाहता है लेकिन बीच में बीच का बंधु बन बैठी है कौन रिया ठीक है रिया बोलती है यस यही ये तो काम है मेरा है ना यहाँ की बात वहां पहुंचाऊं आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म है रिया हैड टू गो फॉर हर आर्ट क्लास उसको भी अपने आर्ट क्लास ले जाना था इसलिए वो क्या करती है फटाफट मोबाइल निकालती है और सुमित को मैसेज लिखती है कि सुमित तुम सॉरी सुमित नहीं अपना मासूम को मैसेज लिखती है क्या लिखती है कि तुम्हारे स्विमिंग टीचर का कॉल आया था उन्होंने बोला कि स्विमिंग पूल दो दिन के लिए बंद रहेगा क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है ठीक है बस खत्म बात हो गई तो अपने को इस क्वेश्चन में से सारी चीज उठा के आंसर में नहीं लिखनी है जो चीज अपने को मासूम तक पहुंचाना है उतना ही पार्ट हम आंसर में लिखेंगे बाकी सबको क्रैश आउट कर देंगे कट कर देंगे हटा देंगे तो देखो ये अपना पूरा क्वेश्चन है इतना बड़ा तो क्वेश्चन है जितना तो आंसर नहीं होगा उतना बड़ा तो क्वेश्चन है ये ठीक है तो देख लो एक बार हम कट किसको करेंगे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए कौन किसको क्या बोल रहा है बीच का बंधु कौन है मैसेज कहां तक पहुंचाना है है देखो तो तो मैसेज मैसेज क्या है? मैसेज तो इस यहां से स्टार्ट है ना ये वाली लाइन में तो लोग का हाय हेलो ही चल रहा था क्या मैं मासूम से बात कर रहा हूं नहीं नहीं तो ये सारी बात थोड़ी बताएगी मासूम को ये सारी बात नहीं बताएगी ऊपर की दो लाइन नहीं बताएगी मासूम को क्या पहुंचाना है कि जो सुमित बोलना चाहता था कि दो दिन तक पुल बन रहेगा बस इतनी बात हम उसको पहुंचाएंगे ठीक है यानी कि क्वेश्चन का इतना हिस्सा अपने आंसर में आएगा ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए पता चला पूरा क्वेश्चन को कन्वर्ट करके आंसर में डाल रहे हो कि आ, आपका द, आ, ये लिखोगे कि मासूम आपके स्विमिंग टीचर सुमित का कॉल आया था उसने बोला हेलो मैंने भी बोला हेलो फिर उसने बोला कि कौन बोल रहे हो तो मैंने पूछा आप कौन बोल रहे हो तो फिर मतलब <laughs> ऐसा पूरा नहीं लिखना है मासूम को ये सारी बात नहीं बतानी है मासूम को बस उतना बताना है जो कि सुमित बताना चाहता था जो कि इस लाइन में जो कि इस स्टेटमेंट में दिया गया है ठीक है यानी कि अपने आंसर में बस इस स्टेटमेंट ये वाला स्टेटमेंट आएगा बाकी कुछ नहीं आएगा ठीक है तो देखो वही आएगा क्या करेंगे मैसेज लिखेंगे मैंने बता रही हूं बीच में लिखना बड़ा करके हाईलाइट करके कैपिटल लेटर में बोल्ड लेटर में लिखना कोई भी आंसर की शुरुआत जब अच्छे से करते हो ना आधा काम आपने वहीं पे कर दिए एग्जामिनर का आधा दिल तो वहीं पे आपने जीत लिया तो शुरुआत हमेशा हमेशा अच्छा करना मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करूंगी कि राइटिंग स्किल में जो भी टॉपिक होगी ना उसको हमेशा कैपिटल लेटर बोल्ड लेटर में लिखना ठीक है तो देखो ये अपना हो गया डेट डाले टाइम डाले टाइम आप आगे भी डाल सकते हो नीचे भी डाल सकते हो डेट इज नॉट एन इशू ठीक है किसको मैसेज जाने वाला है मासूम को जाने वाला है कौन लिख रहा है रिया क्या लिखेगी सुमित सर तुम्हारे स्विमिंग टीचर ठीक है क्या किए थे फोन किए थे कॉल्ड किए थे क्या इन्फॉर्म करने के लिए कि स्विमिंग पूल दो दिन के लिए बंद रहेगा क्योंकि मेंटेनेंस चल रहा है और वो रीओपन होगा बीस तारीख को बस बात खत्म तो बहुत आसान है ठीक है आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज से रिलेटेड बहुत आसान है दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे पहला टाइप में तीन इंसान होंगे और सेकंड टाइप में सिर्फ दो होंगे जैसे कि हमने देखे थे रजत और रजत की मम्मी ठीक है चलिए कुछ डाउट है तो मैं भी आपके डाउट सेक्शन लेती हूँ डाउट्स अभी बच्चों के डाउट्स उठाए जाएंगे और आपके सारे डाउट्स के आंसर दिए जाएंगे डाउट्स टाइम इट इज अ डाउट्स टाइम चलिए डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट क्या बात है मेघना को कोई डाउट नहीं है जो भी बच्चों को इंग्लिश स्टेटमेंट या ग्रामर में प्रॉब्लम आती है मैं तो सच में आपको रिकमेंड करूंगी कि प्लीज यार अभी भी आपके टाइम पास टाइम है बूस्टर बैच में ज्वाइन हो जाओ कल से पहला लेक्चर स्टार्ट होगा आई विल रिक्वेस्ट यू कि पहले लेक्चर से ही वीडियो देखना वरना लिंक नहीं बनेगा टेंसेस आपको आता नहीं है और एक्टिव पैसि के लेक्चर में आप डायरेक्टली आ जाओगे तो कुछ नहीं जाएगा अपना सर भी पटकोगे मैं आपके दिमाग में डालूंगी कि एक्टिव पैसिव पढ़ो लेकिन आपको टेंस नहीं आता है ना तो काम होगा ही नहीं तो ग्रामर का एक फ्लो होता है जैसे मैथ्स में फ्लो होता है ना कि प्लस माइनस के बाद चीज़ें जाती फिर फॉर्मूला फिर थियरम आते हैं उसी प्रकार से ग्रामर में भी है ठीक है तो बेसिक्स स्टार्ट करके मैं पूरा लेके जाऊंगी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने कर रखी हूं आपका काम है जो भी बच्चों को ग्रामर सीखना है इंग्लिश स्टेटमेंट बनाना सीखना है गाइडेंस मेंटरशिप टेस्ट सीरीज ये वो वो जो भी चाहिए वो आप उधर पे ले सकते हो ठीक है तो और कुछ आपका डाउट है डू हैव एनी काइंड ऑफ अदर डाउट रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज यस यू हैव टू यूज इन डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच अपने को यूज़ करना है इन ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज कोई डाउट नहीं है क्या बात है <coughs> तो जब ये अपना कल जो बूस्टर बेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे मैं आपको एक इस टॉपिक से रिलेटेड पांच क्वेश्चन दूंगी ठीक है उसको सॉल्व करने की आप कोशिश करना ओके बूस्टर में मैं डाल दूंगी बहुत अच्छे से समझ गया ग्रेट ओके क्रिस्टल क्लियर बहुत हाई चांसेस है ऑफ कोर्स देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको कोई ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग आ जाएगा ऐसे ही आएगा तो प्रिपेरेशन फॉर्मेट याद रखो चीजों को समझ के आंसर लिखो ओके okay. तो आई होप आपको आज का ड्राफ्टिंग ऑचन ऐसे अच्छे से समझ में आ गया है अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो लाइक कर दो सेशन को सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और इसी प्रकार से एक्साइटमेंट दिखाना है ऐसा नहीं है कि आज की फर्स्ट वीडियो थी तो बस एक्साइटमेंट के साथ आ गए ये एक्साइटमेंट आपका पूरा दो महीने तक टिका होना चाहिए ठीक है जिस तरीके से हम सेशन को स्टार्ट किए हैं जिस जोश के साथ स्टार्ट किए हैं उस जोश को लेकर हम कहां तक जाएंगे बोर्ड एग्जाम तक जाएंगे उसी जोश के साथ अपना 22 फरवरी को इंग्लिश पेपर लिख कर आएंगे उसी जोश के साथ हम जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसी जोश के साथ रिजल्ट को हम देखेंगे तो जोश हमेशा हाई होना चाहिए ठीक है मैम के लिए हार्ट इन चैट <laughs> हार्ट की इस चैट की में ठीक है ओके सो चलिए इसी के साथ हम जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताई नेक्स्ट वीडियो अपना कौन सा होने वाला है इंटरव्यू राइटिंग सो so, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं थैंक यू एवरीवन एंड बाय बाय टेक केयर एंड होगी ना वीडियो अच्छा चल रहा है ओके हेलो एवरीवन तो कैसी लगी आज की क्लास एज ऑलवेज ओपी क्योंकि मैम ने पढ़ाया है तो यार धमाका तो होने ही वाला है है ना तो आज हमारे वन शॉट की ये फर्स्ट सेशन था ये ठीक है और बाकी के टाइम टेबल आपको मिल ही गया होगा तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो एक बार और तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कम्युनिटी टैब में भी मैंने टाइम टेबल दे दिया है सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का अभी 7 पीएम को मैथमेटिक्स का लाइव लेक्चर होगा तो आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है ठीक है और यस uh, yes. एक बार मैम के लिए ओपी इन द चैट जल्दी से फटाफट फड़ सभी लोग एकदम धमाका मचा दो चैट के अंदर सब लोग नाज मैम ओपी इन द चैट यस मैं देख रहा हूँ मैम भी देख रही है सब पूरे के पूरे चैट को जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से और सेशन को लाइक कर दो यार एकदम मोटिवेशन मिल जाता है हमें जब तुम लोग ऐसा कर देते हो क्या अब बात है सभी के सभी लोग तो फाइनली जैसा कि तुम सबको पता है कि मैम ने अपना खुद का पर्सनल कोर्स ना न्यू इंडियन एरा ऐप के अंदर लॉन्च किया है बूस्टर बैच का तो आप सभी लोग जाकर के उसे ले लो क्योंकि वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा क्योंकि तुम लोग कितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो या फिर इकोनॉमिक्स या कोई और भी सब्जेक्ट कितने भी पढ़ लोगे या फिर तुम्हारे कॉमर्स वाले कुछ सब्जेक्ट्स होंगे या आर्ट्स वाले होंगे कितना भी पढ़ लोगे लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे तुम्हारा परसेंटेज डाउन हो जाएगा तो वहां पे ग्रामर सेक्शन और टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारी चीजें वहां पे मिलने वाली हैं तो यार डेफिनेटली इतनी मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमने एक छोटा सा अमाउंट लगा रखा है कुछ करीबन थ्री फिफ्टी रुपीज का तो जाओ और बूस्टर बैच ले लो और सब बच्चे धमाकेदार तरीके से पढ़ेंगे तो डेमो लेक्चर भी हमने दे दिया है सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दी है कल मैम फर्स्ट सेशन लेने वाले हैं है। मैम कल लेने वाले हैं ना हाँ तो एग्जैक्टली exactly कल आप मैम का सेशन है टू थर्टी पी एम आई थिंक है ना मैम हाँ तो टू थर्टी पी एम कल फर्स्ट सेशन रहेगा और उसमें सारे ग्रामर के टॉपिक कंप्लीट होने वाले तो डेफिनेटली अपना प्यार दिखाओ ठीक है सो थैंक यू ओके मैम सेशन को फटाफट सब लोग लाइक कर दो एक बार एकदम धमाकेदार तरीके से क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है सिर्फ गाइस ग्रामर ही ऐप में होगा बाकी सारी चीजें मैम तो यहां तुम्हें दे ही रही हैं ठीक है चलो ओके लव यू लॉट टेक केयर बाय